हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैंने दो कैटेगरी यानी दो बुक्स को चुना है जो कि आप लोग यूज करते हो और खुद मैंने भी यूज किया है, क्योंकि मैंने इग्नू से जब एमए किया था तो मैंने किस बुक से पढ़ाई की उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं जून 2020 में। आप जो है एग्जाम देंगे इग्नू के, और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी बुक जो है सॉलिड है, अच्छी है, और जो है आपके मार्क्स को ज्यादा इंक्रीज करने में कौन सी बुक आपको हेल्प कर सकती है। तो एक साइड रख लेते हैं हम नीरज को, नीरज की बुक को, और दूसरी साइड हम रख लेते हैं गुल्ली बाबा की बुक को। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस करेंगे कि कौन सी बुक जो है स्टूडेंट ज्यादा लाइक करते हैं और कौन सी बुक को पढ़ के ज्यादा स्कोर गेन किए जा सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो गुल्ली बाबा है इसके बारे में तो कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है जानते नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है इससे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले नीरज के बारे में बताऊंगी। ये मेरे हैंड में नीरज है, और जब मैं लास्ट जो एमए सेकंड ईयर का जो मैंने एग्जाम दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है जो मैंने लास्ट एग्जाम दिया था मैंने नीरज को पढ़ के दिया था। ठीक है, इसमें एक मेरे को सहूलियत लगती है, आप लोगों के पास भी ये बुक होगी, कि इसमें जो अब न्यू पैटर्न आ रहा है, इसमें दिसंबर और जून दोनों सेशन में जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसके जो है इसमें पेजेस होते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर इसमें दिया गया होता है। नीरज की बुक में क्वेश्चन पेपर दोनों सेशन के आप जब भी परचेज करने जाएं, बुक वेंडर के पास जाएं, शॉपकीपर के पास, तो आप अपनी बुक को जब खरीदें तो उसके इंडेक्स में आप सबसे पहले ये देख लें कि जैसे कि सपोज आपको 2020 में यू हैव टू बाय अ बुक, आपको कोई बुक खरीदनी है बैचलर ऑफ डिग्री की, यानी आप बीए कर रहे हो, बीडीपी कर रहे हो, आपको फर्स्ट ईयर की कोई बुक खरीदनी है, तो उसमें आप ये चेक कर लीजिए कि 2019 का दिसंबर का और जून का और दिसंबर का दोनों जो है दोनों सेशन के क्वेश्चन पेपर अटैच है कि नहीं है। भाई अगर आपने पैसे खर्च करने ही है तो क्यों ना आप उतने ही पैसों में आप जो है पूरी भरपूर फैसिलिटी लें। ठीक है, तो नीरज की बुक में ये चीज जो है अवेलेबिलिटी होती है, आपको दोनों सेशन के क्वेश्चन पेपर अटैच मिलेंगे। दूसरी चीज ये है इसमें खासियत कि आप जब क्वेश्चन पेपर ही आपको नहीं दिया रहेगा, आप देखेंगे इसमें चार पांच, मेरे ख्याल से मैं खुद चेक कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है 2000 इसमें चार पांच साल के जो है क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व किए रहते हैं। ठीक है, कुछ तो आपको टोटल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व दिखेगा इसमें। ठीक है, आंसर्स भी आपको साथ साथ इसमें दिखेंगे, लेकिन अगर हाँ अगर आपको आंसर्स आपको साथ साथ नहीं उसमें लिखे हुए पाए जाते हैं, तो आप जो है इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो है प्रश्न संख्या, या आप इंग्लिश इंग्लिश में देख सकते हैं कि आपको पेज नंबर आपको वहां पे गिवन होता है, तो पेज नंबर यू कैन फाइंड योर पार्टिकुलर दैट क्वेश्चन आंसर इन दैट पेज नंबर, आपको उस पेज नंबर पे वो जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, यानी 10 ईयर के अकॉर्डिंग, या पीछे के आप 5 साल के ले लीजिए, दो सेशन में इग्नू में एक प्लस पॉइंट है कि भी दो बार पेपर देने का आपको मौका मिलता है। अगर आपके दिसंबर में किसी की कंपार्टमेंट आ गई है तो आप जून में एग्जाम इजिली दे सकते हो 2020 में। ठीक है, और जितने भी फ्रेश एडमिशन हुए वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बुक की बात हो रही है तो पार्टिकुलर सिर्फ मैं बुक की बात करूंगी। आपको जो है नीरज की बुक में आपको इसमें जो है पेज नंबर दिए रहेंगे, सबसे पहले आपको ये सहूलियत मिल जाती कि भी कौन-कौन से जो है इसमें आते हैं क्वेश्चंस, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है विद इन 5 years, then definitely it will show in next year also, in present year also. तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो, ये नीरज की खासियत है। अभी हम गुल्ली बाबा की बुक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम नीरज की बुक के लिए नीरज की बुक के बारे में हम सारी चीजें जान लेते हैं। भाई आपको अब ये जो नीरज की बुक है ना, अब स्टडी मटेरियल कुछ बच्चे लेते होंगे,
ठीक है, स्टडी मटेरियल इग्नो से कुछ बच्चे लेते होंगे और कुछ होगा कोरियर से घर पे आता है, लेकिन कुछ बच्चों का जो है, कुछ स्टूडेंट्स का जो एड्रेस होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर होने के बाद भी स्टडी मटेरियल घर तक नहीं पहुंचता है, आपको खुद स्टडी सेंटर जाना होता है, फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, आपको इंक्वायरी वाला बताएगा कि बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको ये देखा जाता है कि आपको ना एक दो बुक्स की कमी मिली जाती है, सारी बुक्स आपको पूरा जो बुक्स का बंच है वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर पांच सब्जेक्ट है तो पांच में से आपको तीन ही मिलेगी, ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि भाई जो बुक है वो बुक वेंडर से ही ली जाए, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो नीरज की बुक है ना वो आपको मिल जाएगी, किसी भी बुक की शॉप पे आप जाएंगे तो नीरज की बुक आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उसी साइड अगर हम उसकी बात करेंगे उस बुक की तो वो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, कुल्ली बाबा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कुल्ली बाबा से प्रिपेयर करते होंगे, और मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा वैसे समय सबके पास होता है लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेरे पास थोड़ा समय की कमी होती है, इसलिए मैं नीरज से प्रिपरेशन, मैंने जो एमए किया था मैंने नीरज की बुक से किया था, उससे मैंने प्रिपरेशन की थी, और वो शॉर्ट टर्म, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ना पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते होंगे फुल टाइम, तो उनके पास जो है थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसके लिए नीरज की बुक को आपको प्रिफेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सब कुछ ओके ओके दिया रहता है, पेज नंबर दिया होता है, आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो थी नीरज की बुक के लिए खासियत, ठीक है, ये नीरज की बुक जो है इस तरीके से काम करती है, आप बाद में डिफरेंस दोनों में कर लेना। अब रही गुल्ली बाबा, गुल्ली बाबा जो है पहली चीज़ तो कुछ जैसे कि 100% स्टूडेंट्स में से ना 30% ओनली 30% स्टूडेंट यूज़ करते हैं गुल्ली बाबा की बुक, और जो वो 30% जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, क्लियरली सेइंग वो बेस्ट होते हैं, हालांकि मैंने इससे नहीं तैयारी की, लेकिन वो स्टूडेंट बेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो गुल्ली बाबा की बुक होती है उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए होते हैं, अब आप सोचिए, अब क्वेश्चन से क्वेश्चन, बस ये दिया रहेगा कि इस वाले ईयर में ना 2015 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था, अब कितना मतलब टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों को सर्च करने में, यार ढूंढते रहो कब कौन सा सन है, अब उसकी अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है, तो आपको वो चीज़ जो है खुद ढूंढनी पड़ेगी कि इस वाले ईयर में ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कुल्ली बाबा की एक यही खासियत है कि अगर उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो जो 30% बच्चे होते हैं ना वो उसके नोट्स तैयार करते हैं, क्वेश्चन आया क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उनको पता है कि इस ईयर में ये इस ईयर में भी रिपीट हो रहा है, इस ईयर में भी रिपीट हो रहा है, इस ईयर में भी रिपीट हो रहा है, लेकिन देखिए ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास भरपूर टाइम है, पूरा का पूरा टाइम है जिनके पास स्टडी को देने के लिए, वो कुछ और काम नहीं करते, वो अपना सिर्फ स्टडी में ही टाइम देते हैं, उनको जो है अब कोई जॉब करने वाला बंदा हो तो वो कैसे इतना टाइम दे पाएगा, सबसे पहले उसे उसको नोट्स आजकल नहीं बनते हैं भाई, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है, ठीक है, तो अब गुल्ली बाबा है अच्छी बुक, बट जो है उसके लिए टाइम चाहिए और उसके लिए नोट्स चाहिए, नोट्स बनाने होते हैं हमको ईयर वाइज, और वो जो 30% बच्चे होते हैं ना वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ साथ अगर आप नीरज से भी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो आपके 60-70% आपका कहीं नहीं गया, ठीक है, वो 80-85% ला सकते हैं, दे कैन गेन, बट 70-80% यू कैन गेन ऑल्सो, ठीक है, तो अब हम जो है कंक्लूजन पे आ जाते हैं, कंक्लूजन पे एक इसका माइनस पॉइंट ये भी कि गुल्ली बाबा ना आपको आसानी से अवेलेबल नहीं मिलेगी, आप दुकान में जाओगे पूछोगे कि भैया गुल्ली बाबा की ये वाली FEG1 दे दो, जो भी BSHF ये वाली बुक दे दो, लेकिन आपको ना अवेलेबिलिटी जो है उस राइटर की आपको कम मिलेगी, लेकिन आप अगर नीरज के लिए बोलोगे ना तो नीरज आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है गुल्ली बाबा से भी प्रिपेयर करते होंगे और नीरज से भी करते होंगे, लेकिन देखिए दोनों में जो है दोनों की अपनी अपनी खासियत है, स्पेसिफिकेशन है, जो दोनों की खासियत है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे प्रिपेयर कीजिए। लेकिन मैंने एक अपना आइडिया बताया जो कि मैंने पर्सनल जो है पर्सनल मैंने महसूस किया है, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने गुल्ली बाबा की बुक ली थी एक बार, बट मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो इस वजह से मैंने उस बुक को जो है प्रिफेयर नहीं किया। फिर नेक्स्ट ईयर से जब 6 महीने बाद मेरा एग्जाम हुआ तो मैंने नीरज को ही प्रिफेयर किया और फिर मैंने नीरज से ही स्टडी की। तो कुल मिला के मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे नीरज की बुक अच्छी लगी, और उन बच्चों के लिए जो स्कॉलर यानी कि जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनके पास पूरा का पूरा टाइम है, जो नोट्स बना सकते हैं कि क्वेश्चन का अच्छे से जो जो रिपीट हुए हैं साल भर में, 2 साल में 5 साल में, तो उनके लिए गुल्ली बाबा अच्छी है। ठीक है, अगर आपको अवेलेबल मिल जाती है तो देन यू कैन बाय, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नीरज देन यू कैन बाय दैट बुक। तो दोनों का आपने कंपटीशन देखा, दोनों बुक अच्छी हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी नीरज इज बेटर दैन जो है गुल्ली बाबा। तो मैं इसी बुक से जो है प्रिपेयर करती हूँ, आपको उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं जून में, ठीक है, 2020 में। इसके लिए लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी वेबसाइट के पोर्टल पे igno.ac.in पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आई विल इंटीमेट यू टूवर्ड्स दिस चैनल, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, आपसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नया चैनल है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में घंटी का बटन है बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाए। और हाँ, अभी आपकी डेट शीट आने वाली है जून 2020 के एग्जाम्स के लिए, जितने भी कोर्सेज की डेट शीट अपलोड होती रहेगी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करती रहूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। सो गिव मी सम मोटिवेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।